सो फ्रेंड्स, आपने देखा पिछली वीडियो में हम कसौली घूमने गए थे, तो ये उसका सेकंड पार्ट है। आज हम कसौली से ही एक वेडिंग अटेंड करने जाएंगे जो कसौली में ही है। डेस्टिनेशन वेडिंग है और पहाड़ों के बीच आपको मैं एक वेडिंग दिखाऊंगा आज। ज़्यादा क्लिप्स तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन आपको बता दूंगा कि रिजॉर्ट में वहाँ पर कैसे वेडिंग अरेंज की जाती है। ये देखिए कैसे पहाड़ जो हैं लग रहे हैं। हम कसौली से पहले ही 1 किलोमीटर पहले लेफ्ट में उतर गए नीचे, और ये जो हमारा जो वेन्यू है वेडिंग का, वहाँ पे हम जा रहे हैं। और आप आसपास का व्यूज़ देखिए, कितना बढ़िया व्यू है यहाँ का। और ये नीचे इतनी ग्रीनरी, और कैसे पहाड़ों के बीच में घर बने हुए हैं, होटल्स बने हुए हैं, कॉटेजेस बनी हुई हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है जब आप नेचर के क्लोज़ आते हैं। तो नेचर के क्लोज़ आना भी एक बहुत बड़ी बात है। नेचर ने इतना कुछ हमें दिया है, हमें भी उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो आज डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए हम कसौली से नीचे उतर के जा रहे हैं एक रिज़ॉर्ट के अंदर, और वहाँ पे जाके हम अटेंड करेंगे एक डेस्टिनेशन वेडिंग, एक रॉयल वेडिंग। आपको भी मैं उस वेडिंग में सब कुछ दिखाऊँगा। मैं इसका रास्ता जो है वो स्किप नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ना ही इसको मैं फास्ट कर रहा हूँ। ये जो मज़ा रास्ते का है जो मेरे को आया है, मैं सब कुछ आपको देना चाह रहा हूँ कि आप भी इंजॉय करें इस रास्ते को, इन वादियों को, इन पहाड़ों को, इन जंगलों को। तो चलते रहिए मेरे साथ इसी रास्ते के ऊपर। सो फ्रेंड्स, हम इंजॉय कर रहे हैं कसौली, कसौली की जो हिल्स हैं उनको इंजॉय कर रहे हैं। और देखिए रास्ता कितना अच्छा है, ऐसा मन करता है कि रास्ता कभी ख़त्म ही ना हो और इन वादियों को इंजॉय करते रहें हम। हालांकि टाइम हमारे पास कम है, लेकिन फिर भी हम थोड़े से टाइम में ही पूरा इंजॉय करना चाहते हैं कि कसौली। मैं बहुत बार आया हूँ कसौली, लेकिन हर बार मैं नई जगह पर गया हूँ कसौली की। आज मौका मिला है मेरे को कसौली में एक वेडिंग अटेंड करने का, जो कि पहाड़ों के बिल्कुल बीच में है और एक डेस्टिनेशन वेडिंग है, जहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ एक डेस्टिनेशन वेडिंग, वो भी हिल्स के अंदर, और भीड़भाड़ से हट के एक नेचर के अंदर शादी अटेंड करने। तो आप भी इंजॉय कीजिए इस सफ़र में मेरे साथ। तो पहाड़ों के बीच चलते हुए इतना अच्छा लग रहा है। हालांकि देखिए, एक साइड पहाड़ है, एक साइड खाई है, और व्यू देख लीजिए आप। ये व्यू आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ कसौली में ही मिलेगा, क्योंकि ये नेचर के इतने करीब है और नियर बाई भी है। ये पहुंच चुके हैं हम अपने रिज़ॉर्ट में। देखिए कितना सुंदर रिज़ॉर्ट है, और पहाड़ों के एकदम बीच में। आप सोच सकते हो कि इतना बड़ा रिज़ॉर्ट हमें मिलेगा, और इतनी जो है जगह कैसे बनाई होगी। पहाड़ों के हाई टॉप पर हैं हम, पहाड़ी की टॉप पर हैं। वहाँ से नज़ारा देखिए आप, बादलों के बीच में बैठे हुए हैं गाइस अभी हम। और ये व्यू देखिए आप, कितना ही अमेजिंग व्यू है यहाँ का। मैं आपको पूरी शादी तो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आपको आसपास का व्यू मैं इस वीडियो में पूरा दिखा दूँगा। और ये देखिए, ये कुछ फुटेजेस थोड़ी प्लीज़ एडजस्ट कर लेना फ्रेंड्स, ये क्योंकि ये जो है कुछ फुटेज ठीक नहीं आई। ये मैंने फ़ोन से शूट किया था। ये स्विमिंग पूल बना हुआ है नीचे, देखिए पहाड़ों के ऊपर, हिल टॉप पर, पूरी पहाड़ी के ऊपर स्विमिंग पूल और साथ में गार्डन, बहुत ही अमेजिंग है। मन करता है कि यहीं इंसान 10-12 दिन एक महीना गुजारे और एंजॉय करे इस नेचर को। देखिए ये है वेडिंग जो हम अटेंड कर रहे हैं, रॉयल वेडिंग, देखिए आप सामने। सो वेडिंग हमने अटेंड कर ली, अब चलते हैं वापसी की तरफ। अगर आपको ये रास्ता अच्छा लगा हो, कसौली अच्छा लगा हुआ हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।